एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा बेहोश ठरके धीरे धीरे अपने होश में आता है और अपनी आंखें खोलता है। तभी अचानक वो उछलता हुआ याद करता है कि बेहोश होने से पहले तो वो जायंट बीस्ट के साथ लड़ रहा था और उसकी पूछ की खतरनाक चपेट के कारण बेहोश हो गया था। तो जोहान शॉक रह जाता है और उस बीस्ट को देखता है जो बगल में टूटे हुए हालत में मरा हुआ पड़ा हुआ होता है। ये देख कर जोहान कहता है, ओ बाप रे, ये क्या हुआ, क्या मैंने सोते सोते इसे मार दिया। जिसके बाद जोहान कहता है, एल्डर झाल लाओ। भाई बता यार, यहाँ हुआ क्या है, क्या तुमने इसे मारा। जिस पर एल्डर झाल लाओ कहते हैं, नहीं रे बाबा, मैं काहे को मारूंगा, ये तो तेरा वो घोस्ट सोल था, उसने इसे निपटा दिया है। हालांकि मैंने तुम्हें कुछ मेडिसिन पिल्स दी हैं जिससे तुम्हारी बॉडी तेजी से रिकवर कर रही है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। यह सुनते ही जोयान अचानक से होश में आ जाता है और फिर उसे याद आता है कि अरे भाई, उसके पास तो एक घोस्ट सोल है। जिसके बाद जोयान हल्के से अपनी स्टोरिंग को सहलाता है क्योंकि वो उस घोस्ट सोल के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा था। अगर ये घोस्ट सोल ना होती तो उसकी तो लंका लग जाती। जिसके बाद जोयान फिर जियोकुई के पास जाता है जिसे उसने छिपा दिया था। जिसके बाद रिकवरी पिल्स को निकाल कर वो जियोकुई को खिला देता है और उसे केव में ले जाकर आराम करने के लिए लिटा देता है। हालांकि जो कोई हैवीली इंजर्ड नहीं हुई थी, बट तुम जानते ही हो यार, लड़कियां हैं डर के मारे बेहोश हो जाती हैं, दिल बहुत नाजुक होता है ना उनका। तभी एक आवाज आती है, अबे बेवकूफ, वो 4-स्टार डाउडी लेवल का मैजिकल बीच था, उसका मैजिकल कोर वो तेरे लिए बहुत अच्छा है, उसे उठा ले भाई। जैसे जन ये आवाज सुनता है तो थोड़ा सा चौंक जाता है और इसके बाद कुछ ही दूरी पर पड़े हुए स्टील बीस्ट की तरफ जाता है। और इसके बाद जोयान अपने एसेंट हैवी जोयान रूलर को बाहर निकालता है और उस बीस्ट के खोपड़ी को खोलते हुए 4-स्टार डाउडी के मैजिकल कोर को बाहर निकाल लेता है और उसे अपने स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। और इसके बाद इस बीस्ट की बॉडी को भी वो अपने स्टोरेज रिंग में डाल लेता है क्योंकि उसे पता था इस 4-स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की बीस्ट की बॉडी से भी उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। और तुम्हें तो पता ही हमारा ठर की पैदाइशी लालची है। जिसके बाद जोयान उस कोर को देखता जो कि उसके खोपड़ी के साइज का था और जोयान को पता था कि एक 4-स्टार डाउडी लेवल का मैजिकल कोर अनगिनत 2-स्टार डाउडी लेवल के बीस्ट के मैजिकल कोर के बराबर है। यहाँ तक कि इस कोर के आसपास की जो हवा होती है वो काफी गर्म होती है और शॉक वेव जनरेट हो रही होती है। यहाँ तक कि जोयान को पता था कि इतने पावरफुल मैजिकल बीस्ट काफी पावरफुल लोगों को भी निपटा देते थे। जो यान को उस बीस्ट के हाथों मर जाना चाहिए था, लेकिन बीस्ट को मार डालना ये पहले ही काफी अच्छी बात थी। हालांकि जोयान ने नहीं मारा, दूसरे बंदे ने मारा था, लेकिन ये 4-स्टार डाउडी लेवल का मैजिकल कोर अभी भी जोयान के लिए काफी ज्यादा लकी था। तभी ओल्ड जान की आवाज आती है और ओल्ड जान कहते हैं, बीड़ू देख, अब्सॉर्ब कर ले इसको, इसकी एनर्जी से तेरी पावर कुछ तो बढ़ ही जाएगी। जिसमें अचानक ही जोयान की आंखें साइन होती हैं क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर डेमन ब्लड था और डेमन्स मॉन्स्टर कोर्स की एनर्जी को डायरेक्ट अब्सॉर्ब कर सकते थे, हालांकि पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक। इसलिए ये अब जोयान के लिए ट्राई करने का सबसे सही टाइम था। इसलिए जोयान डेमन कोर को जमीन में रख देता है, अपनी हथेलियों से कल्टीवेशन सील बनाता है और उसके कल्टीवेशन सील के साथ ही एक ब्लड मिस्ट चारों तरफ फैलने लगती है जो उसे रूबी जैसे कोर को चारों तरफ से घेर लेती है। जैसे ही यह ब्लड मिस्ट डायमंड कोर को लपेट लेती है तो इसके अंदर की जो एम्पायर एनर्जी होती है वो बेहद स्पीड के साथ रिफाइन हो रही होती है और जो यान के बॉडी के अंदर इंटर हो रही होती है, जिससे जोयान की पावर धीरे धीरे नहीं स्पीड से बढ़ रही थी भाई। साथ ही इस टाइम पे जोयान अपनी हड्डी में और पूरी मेरिडियंस और बॉडी में एनर्जी के फ्लक्चुएशन को फील कर सकता था। और इस टाइम पे जोयान की बॉडी के अंदर जो वो अजीब सी लाइनें थी वो एक बार फिर से अपेयर होती हैं। हालांकि कुछ टाइम के बाद जोयान इस डेमोनिक कोर के अंदर की जो एनर्जी होती है उसे बहुत जल्दी ही अब्सॉर्ब कर लेता है और इस टाइम पे जोयान को डेमोनिक ब्लड की पावर का पता चलता है। जैसे कि जोयान को 4-स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल कोर की जो पावर को निकलने का टाइम लगा था वो नॉर्मल से काफी ज्यादा फास्ट था और 1 घंटे से कम के टाइम के अंदर ही कल्टीवेट करते हुए जोयान ने इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था। जिसके बाद उसी वाटरफॉल वाली केव के सामने जोयान की आंखें धीरे धीरे ओपन होती है और इसके बाद जब जोयान अपनी आंखें खोलता तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा जोयान के आसपास से जनरेट होता है। तभी एक आवाज आती है, ओहो जूनियर, 2-स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गए तुम तो, बाबू मोसाई, अगर यहाँ के लोगों को ये पता चलेगा ना तो वो खून की उल्टियाँ करने लगेंगे क्योंकि तुम्हें देख के लग ही नहीं रहा तुम डाउडी लेवल पर अपनी पावर बढ़ा रहे हो। इस टाइम पे जोयान की जो पावर थी उसमें एक बार फिर से सुधार हुआ था और जोयान 2-स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर एंटर हो चुका था। साथ ही जोयान की बॉडी और स्किन के नीचे जो वो अजीब सी लाइनें क्रिएट हो गई थी वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट हो गई होती हैं। तो जाहिर सी बात थी कि 4-स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल कोर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद इनके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे और ये पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग थी, यहाँ तक कि जोयान की बॉडी भी पहले के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो गई होती है। तभी जोयान कहता है, बीस्ट टाइड अब खत्म हो चुका है तो जियोकुई के जागने के बाद मैं ब्लड डायमंड क्लेन को खोजने के लिए आगे निकलूंगा। और इसके बाद खड़े होते हुए जोयान जियोकुई की तरफ जाता है जो अभी भी बेहोश होती है। जिसके बाद जोयान कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या हम डी यूआन प्रीफेक्चर में ब्लड डायमंड क्लेन को ढूंढ सकते हैं या नहीं,
जो यान को पता था ये सभी प्रॉब्लम्स ब्लड डेमन ऑर्डर के कारण है और केवल ब्लड डेमन क्लेन को ढूंढने के बाद इसे सुलझाया जा सकता है। जिसके बाद जोयन जियो कुई के पास बैठकर अपनी बॉडी की कुई को जियो कुई की बॉडी में इंजेक्ट करता है और उसकी बॉडी में डाली गई रिकवरी पिल को धीरे धीरे मेल्ट करने लगता है और उसे एक्टिवेट करने लगता है ताकि उसकी बॉडी की हीलिंग स्पीड थोड़ा स्पीड से बढ़ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, हीलिंग स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए और वो जल्दी रिकवरी कर पाए। हालांकि तभी जियो कुई की बंद आके धीरे धीरे खुलती है और जोयन जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जियो कुई दर्द भरे तरीके से सिर हिलाते हुए कहती है, क्या वो मॉन्स्टर मर गया? जिस पे जोयन सिर हिलाता है तो जियो कुई तुरंत ही हैरानगी से कहती है, तो तुमने उसे मार डाला? ये सुनकर जोयन थोड़ा सा रुकता है, लेकिन उसे पता था वो घोष्ट के बारे में से नहीं बता सकता, इसलिए वो अपना सिर खुजलाता है और कहता है, तुम्हें अभी बस आराम करना चाहिए, बीस्ट टाइड खत्म हो चुका है इसलिए ये सबसे शांत टाइम होना चाहिए। बस मुझे ये बताओ, बीस्ट टाइड खत्म हो चुका है तो कितने सारे बीस्ट मारे गए होंगे? उन सभी के मॉन्स्टर कोर्स को इकट्ठा कर ले बंदा और फिर उन सभी को बेच दे, कितना पैसा ना मिल जाएगा। लेकिन हमारा ठरकी इज्जतदार है, हम जिसको मारे हैं उसी का कोर बेचेंगे। जिसके बाद जोयन कहता है, आगे हम D1 के लिए बढ़ेंगे। दूसरे जोयन को अपना सिर खुजलाते हुए देखकर जियो कुई को लगता है कि जोयन ने ही उसे मारा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करती इसलिए जोयन से कोई क्वेश्चन नहीं करती, इसलिए वो खड़ी होती और तुरंत ही स्ट्रिक्टली जोयन से कहती है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, चलो अभी चलते हैं। और ऑब्वियसली लड़कियों के इम्प्रेशन जिद्दी तो होते ही हैं, लेकिन जोयन उसे देखकर काफी तारीफ कर रहा होता है कि पहले तो ये उस स्टील बीस्ट के सामने लड़ने से पहले दूसरी बार इसने नहीं सोचा और तुरंत ही बाहर आ गई, उसके बाद पिटने के बाद बेहोश हो गई और जागने के बाद तुरंत ही रेडी है कि चलो फिर चलते हैं। हालांकि दूसरी तरफ जियो कुई, उसे पता था वो बीस्ट उससे और जोयन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर जोयन उसे मार सकता है तो ये पहले ही बताता था कि जोयन केवल कल्टीवेशन ही खतरनाक नहीं करता और टैलेंटेड ही नहीं है बल्कि उसकी पावर भी काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। जिस पे जोयन भी कोई भी आपत्ति नहीं जताता उसके चलने वाली बात पे और स्माइल करता है और इसके बाद दोनों ही खड़े होकर माउंटेन के डीप एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरे मोयू टाउन में कई ब्लैक शैडोस त्यानमो माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ रही होती हैं और जोयन और जियो कुई बिना रुके हुए माउंटेन से होकर गुजर रहे होते हैं। दूसरे जियो कुई जो अक्सर इस माउंटेन की जर्नी किया करती थी वो भी इतनी डीप एरिया तक कभी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसे इस माउंटेन की काफी अच्छी ठीक ठाक नॉलेज थी, इसलिए उसके कारण वो लोग इस माउंटेन में खो नहीं रहे होते। तभी जियो कुई कहता है, इस माउंटेन को पार करने के बाद हम D1 किंगडम में एंटर कर जाएंगे। जिस पे जोयन भी अपना सेल आता है, साथ ही जोयन को वो मैप पूरी तरीके से याद था जो जोयन ने गोल्डन टावर के अंदर देखा था। इसके बाद उन दोनों की फिगर एक बार फिर से फॉरेस्ट में उस तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही यहाँ पे जोयन मॉन्स्टर से बचने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहा होता है और जल्दी ही दोनों लोग उस माउंटेन की पीक पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जोयन और जियो कुई की नजरों में एक इनफाइनेट बाउंडलेस ग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देता है जिसके अंदर की जो एम्परर कोई थी, साथ ही D1 यहाँ की जो ओरिजिन कोई है एम्परर सोर्स कोई थी वो अन्य एरियाज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। दूसरे जोयन और जियो कुई इस बाउंडलेस माउंटेन और फॉरेस्ट को देख रहे होते हैं और जोयन के दिमाग में तो वो मैप धीरे धीरे अपेयर होता है। जिसके बाद जोयन मोटे तौर पर डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हुए एक तरफ इशारा करता है और जियो कुई से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके माउंटेन रेंज से सटे हुए किसी छोटे से शहर में पहुंचने में कैपेबल होना चाहिए। जिस पे जियो कुई सुनकर सिर हिलाती है, जिसके बाद वो कहती है, अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो D1 प्रीफेक्चर के बाहर का एक प्लेस D-Mai है और आपके द्वारा बताई गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये वास्तव में D-Mai से नजदीक मैजिकल कैपिटल तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका है, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये डायरेक्शन नजदीक है लेकिन यहां का जो रास्ता वो सबसे खतरनाक है। और इस टाइम पे जियो कुई ऑब्वियसली जोयन के कंपैरिजन में ज्यादा जानती थी D1 प्रीफेक्चर के बारे में। तभी जोयन को अचानक कुछ फील होता है और वो अपने स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता और थोड़ी देर बाद उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और कहता है, ऐसा लगता है कि काले कपड़ों वाले लोगों ने हमें पहले ही खोज लिया है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें इसी रास्ते से जाना होगा, चलो चलें। और इस टाइम पे जोयन काफी सीरियस होता है और पूरी तरीके से कमिटेड तरीके से ऐसा कहता है। साथ ही जोयन को उम्मीद नहीं थी कि काले कपड़े वाले लोग इतने कम टाइम के अंदर उसे और जियो कुई को ढूंढ लेंगे, इसीलिए जियो कुई भी अब पीछे हटने का इरादा नहीं दिखाती और जोयन द्वारा बताई गई डायरेक्शन की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद जोयन और जियो कुई काफी देर तक इस फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं, तभी वो कहती है, ऐसा लगता है हम खो गए हैं। साथ ही इस फॉरेस्ट में हर जगह पर मिल्की व्हाइट मिस्ट छाई हुई होती है, यहाँ तक ये मिस्ट इतनी अजीब होती है कि इसके अक्रॉस जा पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, यहाँ तक कि जोयन की स्पिरिचुअल पावर भी इसके अक्रॉस नहीं जा पा रही होती। और इसके अलावा यहाँ पे कोल्ड बर्फीली हवा भी होती है और जोयन के पास कैओसोली फ्लेम भी थी, लेकिन फिर भी वो इस ठंडी हवा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। साथ ही एक घंटे से ज्यादा टाइम तक इस रास्ते में घुसने के बाद जोयन और जियो कुई लगभग अभी भी यहीं पे घूम रहे होते हैं। साथ ही एक घंटे तक इधर उधर भटकने के कारण जोयन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया होता है और उसे लग रहा था कि वो अब यहीं फंसा रह जाएगा, लेकिन वो लकी था कि काले कपड़े पहने हुए लोग उनके पीछे नहीं थे। जिसके बाद वो कहते हैं, ये किस तरीके की मिस्ट है, ये इतनी अजीब क्यों है। इस टाइम पे जोयन को जो नक्शा याद था वो भी बेकार था क्योंकि जोयन को यहाँ पे डायरेक्शन ही पता नहीं थी, साथ ही ऐसा लग रहा था यहाँ की पूरी चीजें मैप से अलग हो।
तभी जो कोई कहती है, वैसे मुझे याद आया, इसे डेमन फॉग फॉरेस्ट कहते हैं और इस रास्ते का अकेले लोगों द्वारा रखे गए इस अजीब नाम का भी कारण है। ऐसा कहा जाता है कि बाहर जाने के लिए यहाँ पे केवल एक ही सही रास्ता है और अगर आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं तो ये काफी बड़ी बात होने वाली है। तभी जियान कहता है, ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जो वास्तव में यहाँ के रास्ते जानता हो। खैर छोड़ो, चलो पहले साउथ डायरेक्शन में चलते हैं। इस टाइम पे जियान हंस रहा होता है खुद के ऊपर कि पहले तो डेमन्स उसका पीछा करते हैं, जहाँ से वो भागता है तो बीस्ट टाइड में उसका सामना होता है जहाँ वो लगभग मरते मरते बचता है, जिसके बाद जब डी यून की तरफ वो बढ़ता है तो यहाँ पे इस मिस्ट में फंस जाता है और जंगल में खो जाता है, जहाँ तक कि उसे पता नहीं था ये कितना खतरनाक होगा। जिसके बाद जियान कहता है चलो चलते हैं और आगे बढ़ता है और जो के जो यान को फॉलो करती है। तभी हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है और बूम की आवाज आती है और घने फॉरेस्ट में दर्जनों लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं मिलकर और इस टाइम पे क्रूअल बीस्टों के ऊपर कंटिन्यू अटैक कर रहे होते हैं और उनको मार रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है, यह बीस्ट सच में परेशान करने वाले हैं मिस, ये पहली बार है, क्या आपको वास्तव में लगता है कि 5-स्टार डाउडी लेवल का कोई बीस्ट यहाँ दिखाई देगा? तभी दूसरा बंदा अपने सामने के बीच को काटते हुए कहता है, चिंता मत करो मिस, की नॉलेज के अकॉर्डिंग और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसे गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही ऐसा जवाब देने वाला बंदा मोटी पीठ वाला एक हाफ एजेड मैन होता है जिसके पीठ पे दो कुल्हाड़ियां टंगी हुई होती हैं और इन लोगों के ग्रुप के बीच में एक छोटी सी ब्लू कलर की स्कर्ट में लिपटी हुई एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फिगर होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पतली दिख रही होती है। साथ ही इसके सिर के पीछे ब्लड रेड एक पोनीटेल होती है, यानी बाल होते हैं। साथ ही काफी ब्यूटीफुल आईज, पतली फिगर, लंबी नाजुक नाक और प्राउडफुल फेस इम्प्रेशन, हल्के पिंकिश रेड होंठ जो आधे खुले और आधे बंद थे, और इस लड़की का नाम क्यान इंग होता है। जिसके बाद क्यान इंग अपने हाथ के एक हल्के से चाबुक को स्लैश करती है और आसपास के जो भी बीस्ट होते हैं तुरंत ही ब्लास्ट हो जाते हैं और उनके जो मॉन्स्टर कोर होते हैं वो एक लाइट के साथ क्यान इंग की बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाते हैं। और इस टाइम पे इस लड़की के पावर इन लोगों के ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसकी पावर 5-स्टार डाउडी तक पहुंच गई होती है। यहाँ तक इतने सारे मॉन्स्टर्स की घेराबंदी के बाद भी ये लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई थी, जो उसकी शकल और पावर को देखते हुए अलग अलग लग रहा होता है। शकल देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये इतनी पावरफुल होगी। साथ ही इनमें से हर एक पर्सन एक मॉन्स्टर को मारता और उसका मॉन्स्टर कोर एनर्जी में बदलकर उनकी बॉडी के अंदर चला जाता। साथ ही ये लोग जो कि मॉन्स्टर कोर्स को सीधा ही अब्जॉर्ब कर सकते थे, ऑब्वियसली डेमन्स थे। साथ ही बैटल समाप्त होने से पहले लगभग आधे घंटे तक चलती है और यहाँ पे आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी डली हुई होती है। फाइट खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग हाँप रहे होते हैं और घुटने टेक कर बैठे हुए होते हैं। हालांकि इनमें अभी भी कुछ लो ग्रेड के मॉन्स्टर थे जिसके कारण उन्हें बैटल एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ा था, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा फाइट करने के कारण वो थक गए होते हैं, लेकिन यह एक प्रकार का एक्सरसाइज भी था। तभी थकी हुई भीड़ को देखकर क्यानिंग हेल्पलेस होकर बस इन्हें डांटने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी खूबसूरत आंखें साइन होती है और वो मिस्ट की तरफ देखते हुए कहती है, कौन है? ये सुनकर वो लोग जो बैठे हुए होते हैं तुरंत अपने वेपन्स को कसकर पकड़ लेते हैं और घबराते हुए सामने की तरफ देखते हैं। तभी उनकी घबराई हुई नजरों के सामने दो फिगर्स मिस्ट से बाहर आते हैं और जो यान और जो कोई होते हैं जो खो गए थे। और इस टाइम पे जो यान की बॉडी से डेमन क्लेन का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। ये देखकर जो कोई काफी ज्यादा हैरान होती है कि जो यान डेमन कोई ऑरे को क्यों रिलीज कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन उसे ये पूछने की इजाजत नहीं दे रही थी। हालांकि भीड़ में हर कोई एक के बाद एक जो यान की तरफ देखता, तभी जो यान कहता है, अरे आप लोग घबराओ नहीं, हम बस रास्ता भटक गए हैं और गलती से यहाँ गए, हमारा आपको लेकर कोई भी गलत इरादा नहीं है। तभी इन दोनों के बिग पावर को फील करते हुए सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन अभी भी वो लड़की जो यान और जो कोई को काफी ज्यादा करीब से देख रही होती है और वो अपनी अलर्टनेस में बिल्कुल भी ढील नहीं देती, क्योंकि किसी अननोन रीजन के कारण उसे लगा हुआ था कि जो यान के पास एक खतरनाक ऑरा है। जिसके बाद किंग यान क्यान एक जो यान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या लिटिल ब्रदर किसी दूसरे प्लेस से आया है? जिस पे जॉन हमें से हिलाते हुए स्माइल करता है, उसे ग्रेट करते हुए कहता है, हम यहाँ खो गए हैं, मैं सरप्राइज हूँ, क्या हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए साथ में ले जाया जा सकता है? साथ ही जॉन को पहले ही फील हो गया था कि ये लोग डैमेज ट्राइब्स के हैं। तभी मोटी पीठ वाला वो हाफे जर्मन तुरंत ही कहता है, नहीं, हम अजनबियों को अपने साथ नहीं ले जाते, बेहतर होगा तुम अपने आप ही चले जाओ। जिसके बाद वो क्यानिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मिस, हम यहाँ पे 5-स्टार डाउडी लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए आए हैं, इसलिए अननोन लोगों को अपने साथ रखना अच्छा नहीं होगा, ये खतरनाक भी हो सकता है। ये सुनकर क्यानिंग वो लड़की तुरंत ही कोई डिसीजन नहीं लेती और जो यान और जो कोई को करीब से देखती है। जिसके बाद वो थोड़ी देर बाद हल्के से जॉन से पूछते हैं, लिटिल ब्रदर आपका नाम क्या है और आप कौन सी ब्रांच से हैं? जिसके बाद जॉन कहता है, मेरा नाम यान जियो और मेरे बगल में जो लड़की है वो ह्यूमन ट्राइब की मेरी फ्रेंड जियो कोई है। और ऐसा कहते हुए जॉन स्माइल करते हुए आंसर देते हुए कहता है, आपका नाम क्या है? साथ ही जॉन ने ये नहीं कहा था कि उसे जो यान कहा जाता है, क्योंकि डेमन्स उसका पीछा कर रहे थे, वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता था। जिसमें क्यानिंग जो यान की तब देखते हुए कहती है, मेरा नाम किंग मुयर है, आप मुझे मुयर कह सकते हैं। साथ ही लिटिल ब्रदर ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो किस क्लेन या ब्रांच से हैं।
ये सुनकर जो यान काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि वो कैसे कोई ब्रांच बताए, क्योंकि डायमंड्स की कोई भी ब्रांच जो यान नहीं जानता था। तभी अचानक वो कहती है, क्या आप उत्तर नहीं दे सकते? मुझे लगता है कि आप खोए नहीं है बल्कि जासूस बन के आए हैं, जो हमारे क्लेन की इन्फॉर्मेशन, हमारे ब्लड डायमंड क्लेन की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आए हैं। साथ ही किंग मुयर की जो आवाज होती है वो सीरियस होती है। तभी यह सुनकर जॉन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मुंह थोड़ा खुला हुआ होता है और वो तुरंत कहता है, ब्लड डायमंड क्लेन। जिसके बाद जॉन कहता है, आपने कहा कि आप ब्लड डायमंड क्लेन से हैं? तभी किंग मुयर अभी भी अलर्टनेस तरीके से जॉन की तरफ देखती है। जिसके बाद जॉन कहता है, मिस किंग मुयर, क्या हम बात करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं? और इस टाइम पे जॉन अपने दिल में काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन किंग मुयर थोड़ा सा शक करते हुए रुकती है, लेकिन फिर अपना सिर हिलाते हुए जॉन की तरफ देखती है। जिसके बाद किंग मुयर आगे बढ़ती है तो जो मोटी पीठ वाला वो बंदा होता है थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था कि तभी मुयर उसे रोक देती है। जिसके बाद किंग मुयर और जॉन एक साथ भीड़ से थोड़ा दूर आ जाते हैं। जिसके बाद जॉन कहता है, मिस मुयर, क्या आप वास्तव में डायमंड क्लेन से है? साथ ही आवाज इतनी धीमी होती है केवल जॉन और मुयर ही सुन सकते थे। साथ ही जॉन इतनी नजदीक से मुयर को देखता है जो कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती है, तो जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तभी किंग मुयर जॉन की बात सुनते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ब्लड डायमंड क्लेन से हूँ, क्या आप डरते हैं? अगर आप मुझे नहीं बताएंगे आप किस ब्रांच से हैं, तो मुझे आपको मारना पड़ेगा, मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगी जियो। ये सुनकर जोयान अपने हाथ को लहराते हुए उत्सुकता से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस ब्रांच से हूँ, मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। आपके पैट्रियार्ट कहाँ है? कृपया आप मुझे उनसे मिलने के लिए ले चलें, कुछ इंपोर्टेंट बात है जो मुझे उन्हें बतानी है। और स्टम्पी जॉन काफी एक्साइटेड होता है। ये सुनकर मुयर तुरंत ही कहती है, अगर आप मुझे बताएंगे तो ये वैसा ही है, वैसे भी मैं पैट्रियार्ट की लिटिल सिस्टर हूँ। लेकिन जॉन तुरंत ही सीरियस तरीके से हिलाते हुए कहता है, नहीं ये मामला मामूली नहीं है, मैं केवल ब्लड डायमंड क्लेन के क्लेन लीडर को ये बता सकता हूँ। तभी किंग मुयर अचानक से थोड़ा सा हैरान होती है और कंफ्यूज होते हुए कहती है, आप मेरे ब्रदर को ऐसे ही देखना चाहते हैं? अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे वास्तव में थोड़ा सा क्रूएल होना पड़ेगा। ये सुनकर जॉन थोड़ा सा अपनी ठुड्डी को रगड़ता है और सोचने लगता है। तभी किंग मुयर भी झिझकते हुए जॉन को देख रही होती है, तो वो कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास कितने तरीके हैं। तभी जॉन कहता है, ठीक है जॉन टियान, मुझे विश्वास है इस नाम को सुनते ही तुम्हारे पैट्रियार्ट मुझे खुद मिलने के लिए आएंगे। जॉन जैसे ही बोलना एंड करता है तो किंग मुयर काफी ज्यादा कमिटेड तरीके से जॉन को देखती है और बस पैर पटक के अपना झापड़ जॉन को मारने ही वाली होती है कि तभी जॉन कहता है, मिस मुयर देखो जहाँ तक हमारी बात है हमारी पावर बहुत कम है, हम रास्ता भी नहीं जानते, तो आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? तब तक जब तक आपके पैट्रियार्ट मुझसे नहीं मिल लेते उसे केवल ये तीन वर्ड बताएं, और अगर वो अपने आप मुझसे मिलने नहीं आते तो कैसा रहेगा अगर आप मुझे मार दें? फिर आप मेरा सिर भी काट सकती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मुयर का हाथ अचानक से हवा में ही रुक जाता है और वो धीरे से इसके बारे में सोचती है, क्योंकि जॉन ने जो कहा था वो काफी ज्यादा ऑनेस्टली था, मतलब ईमानदार लग रहा था, इसलिए वो कहती है, ठीक है जो कहा उस पे ईमानदार रहना और इसके बारे में सोचना भी मत कि तुम कोई चाल चल सकोगे, वरना मैं तुम्हें अपने हाथ के एक स्लैश के साथ मार डालूंगी। और इसके बाद वो ग्रुप में लौट आती है। तभी जॉन भी भीड़ में लौटते हुए झोंकी को आराम करने के लिए कहता है और खुद भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। और इस टाइम तक जॉन का जो फ्लेम बनता था वो कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता है, और जैसे ही जॉन की बॉडी के अंदर डूब कोई इंटर हो रही होती है वो पूरी तरीके से प्योर होती जा रही होती है। धीरे धीरे रात ढल जाती है, आसमान साफ हो जाता है और फॉग घना होता है। जिसके बाद मुयर धीरे से चिल्लाते हुए कहती है, हर कोई अलर्ट रहे। और अचानक से आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो तेजी से बदल जाता है, और देखते ही देखते कुछ टाइम के बाद आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट का जो शैडो होता है वहाँ पे बनने लगता है। तभी आसपास में उनके एरिया और कैंप को घेरने वाले मॉन्स्टर्स को देखते हुए किंग मुयर काफी प्राउडफुल तरीके से उन्हें देख रही होती है और धीमी आवाज में ऑर्डर देती है, खबर वास्तव में सच है, किंग जियोंग इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को ले जाओ, उन दोनों को भागने मत दो, जहाँ तक ये क्रिस्टल पीक क्लाउड मॉन्स्टर है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसपे किंग जियोंग तुरंत ही हामे से हिलाता है, साथ ही उसकी जो एक्स होती है उसमें पावरफुल लाइट साइन हो रही होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जिसके बाद किंग मुयर ऑर्डर देना एंड करती है और अपने सामने क्रिस्टल बीस्ट को देखती है जो पावरफुल तरीके से रोर कर रहा होता है, और उसका रोर ही किसी के कान को छेदने के लिए काफी था। तभी ये देखकर किंग मुयर तुरंत ही कहती है, ये वास्तव में बीस्ट सोल पर अटैक कर सकता है? और वो काफी हैरान होती है। हालांकि जो डायमंड ट्राइब के लोग होते थे उनकी जो स्पिरिचुअल पावर या सोल पावर होती थी वो काफी हाई लेवल पर होती थी, इसलिए 5 स्टार डाउडी किंग मुयर की पावर के साथ उसके सामने का यह बीस्ट उसका यह अटैक उसके लिए ज्यादा नुकसान का कारण नहीं था। जिसके बाद वो हल्के से अपने हाथ को स्लैश करती है और एक शॉक वेव बीस्ट से जाकर टकराती है, जिससे बीस्ट हैरानगी से अपना मुंह बंद करते हुए किंग मुयर की तरफ देखता है कि यह लड़की वास्तव में जो छोटी दिख रही है वो उतनी ही डरावनी है। जहाँ किंग मुयर और बीस्ट एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, वहीं बाकी लोग पूरे कैंप के आसपास घूम रहे होते हैं और मॉन्स्टर्स उनको देख रहे होते हैं। साथ ही उसने देखा था यहाँ पे मारे गए बीस्टों का जो मैजिकल कोर होता है वो डायरेक्ट लोगों के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा होता है। ये देखकर जॉन की आंखें साइन होती है और वो हैवी जॉन रूलर को नहीं निकालता, लेकिन तुरंत ही उस डायरेक्शन की तरफ भागता है जहाँ पे बीस्टों की क्वांटिटी कम थी और उसकी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल आती है जो
एक इंजर्ड बीस्ट की तरफ अटैक करता है और एक एरो की तरह उसकी स्पिरिचुअल पावर निकल कर इस बीस्ट के ऊपर टकरा जाती है, जिससे वो बीस्ट तुरंत ही अपना दम तोड़ देता है और एक मैजिकल कोर बाहर आता है जो जोयन के सामने तैरने लगता है और जोयन के बॉडी से ब्लड मिस्ट निकलती है जो कि इस कोर को घेर लेती है और जोयन को फील होता है कि अचानक इस कोर के अंदर की एनर्जी गायब हो गई और एक पावरफुल पावर उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी है, जिससे जोयन काफी हैरान होता है और इसके बाद लो लेवल के बीस्टों को बेरहमी से मारने के लिए ढूंढने लगता है। दूसरी सब्जियों को वहाँ पे बीच में अकेले खड़ी हुई होती है और उसे अपने दिल में बस जोयन की फिक्र थी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। हालांकि थोड़ी ही देर बाद ये पूरी की पूरी टीम बीस्ट के आक्रमण को रोक देती है और इस टाइम पे किंग मुयर जो क्रिस्टल बीट से फाइट कर रही होती है उसका भी पल्ला भारी होता है और ये पहली बार था जब किंग मुयर ने अकेले 5-स्टार डाउडी लेवल के बीस्ट के साथ फाइट की थी। साथ ही इस टाइम पे दोनों के बीच जो एयर होता है वो जमने सी लगती है और पावरफुल ऑरा वहाँ प्रोड्यूस होने लगता है। हालांकि किंग मुयर का पल्ला भारी था लेकिन वो बीस्ट भी रुकने का बिल्कुल भी संकेत नहीं दिखाता और उसकी पावर के कारण जमीन कांपने लगती है, जिससे हर किसी का दिल हिल जाता है। जिसके बाद क्रिस्टल टॉप क्लाउड डेमन एक बार फिर से किंग मुयर के ऊपर रोर करता है और अपने पावरफुल अटैक से किंग मुयर की तरफ अटैक करता है, लेकिन किंग मुयर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाती और अपने चाबुक को उसकी डायरेक्शन की तरफ अटैक करते हुए उस बीस्ट पर अटैक करती है और उसकी बॉडी से पावरफुल एनर्जी अचानक से फूट पड़ती है जो आसपास के पूरे एरिया को घेर लेती है, जिससे वो बीस्ट कुछ हद तक पीछे चला जाता है। लेकिन उस बीस्ट का अटैक किंग मुयर से टकराया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल बैरियर किंग मुयर को प्रोटेक्ट कर रहा हो। जिसके बाद किंग मुयर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती और आगे बढ़ते हुए वो तुरंत ही कहती है ब्लडी वेव और अपने चाबुक को साइन करता हुआ क्रिस्टल बीस्ट के ऊपर अटैक करती है, जिससे उस क्रिस्टल बीस्ट के सिर पर तुरंत ही एक बड़ा सा छेद हो जाता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी के पास जाकर उसका मैजिकल कोर बाहर निकाल लेती है और वो उसे जल्दी से अपनी रिंग में डाल लेती है। जिसके बाद वो इस भीड़ के बीच में चल रहे होते हैं शहर के सामने, साथ ही इस शहर से ब्लड लाइट साइन हो रही होती है। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है, हम कैपिटल किंग जियोंग में आ गए हैं, हम इन दोनों लोगों को फैमिली में ले जाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। तभी जोयन किंग मुयर की तरफ देखते हुए जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए कहता है मिस मुयर, कृपया मेरी वो बात पैट्रियट को बताने की कृपा करें, यानी बताने में मेरी मदद करें, मुझे विश्वास है कि पैट्रियट वो सुनकर मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। ये सुनकर मुयर तिरछी नजर से जोयन को देखती है और एक आवाज के साथ वो मैजिकल सिटी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ किंग जियोंग जोयन और जोकुई को किंग मुयर द्वारा बताए गए सराय तक पहुँचा देता है। जिसके बाद हमें मैजिकल कैपिटल में ब्लड डायमंड क्लेन का आंगन दिखाया जाता है, जहाँ पे लाल बालू वाला एक हाफेज में हाथ में चाय का कप लिए होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी लाल बालू वाला ओल्ड मैन अचानक आंगन में आता है और कहता है पैट्रियट मुझे आपको कुछ बताना है, और ऐसा कहते वो उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद वो कहता है डीजो से खबर है। ये सुनकर वो हाफेज में जल्दी ही कहता है जल्दी बताओ, तो वो कहता है एशियन टॉम से बाहर आने वाले लड़के का नाम जोयान था और वो डीजो के जो क्लेन का डिसाइबल है। साथ ही उसकी पावर 1-स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर थी। साथ ही सोल डायमंड क्लेन ने 5 लोगों को भेजा था जोयान को पकड़ने के लिए, लेकिन जोयान पहले ही भाग चुका है और वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं। ये सुनकर वो कहता है आपने कहा कि वो भाग गया और सोल डायमंड क्लेन के 5 मेंबर भी उसे नहीं पकड़ पाए। वो इस टाइम पे काफी हैरान होता है, जिसपे लाल बालों वाला ओल्ड मैन कहता है हाँ। तभी एल्डर कहते हैं यानी कि पैट्रियट अगर वो 1-स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल की छोटी सी पावर के साथ अकेले एशियन टॉम के अंदर इंटर हो सकता है और वहाँ से बाहर आ सकता है तो उसे जरूरी कुछ न कुछ मिला होगा, यहाँ तक कि वो 5 डायमंड्स के हाथों से बच सकता है। ये आसान नहीं है, इसीलिए फैमिली में ऑर्डर दो कि ड्यूजो के पूरे चेरिया को और चप्पे चप्पे को छाना जाए और जोयान को ढूंढा जाए, हमें उसे ढूंढना ही होगा। लाल बाल वाला ओल्ड मैन ये कहकर जाने ही वाला था कि तभी वो हाफ में रेड मैन या कि पैट्रियट कहता है रुको मिस कहाँ है। ये सुनकर वो एल्डर कहता है मैंने सुना है वो बाहर गई है, तो एल्डर कहते हैं रुको उसे बुलाने के लिए किसी को भेजे। तभी ओल्ड मैन कहता है अगर वो लड़की बाहर जाना चाहती है तो हम उसे रोक भी नहीं सकते, कहीं वो चुपचाप ड्यूजो न चली गई हो। साथ ही उनके बिहेवियर के साथ वो सोल डायमंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बस हम यही उम्मीद करते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर इस बार मिस मिल जाती हैं तो मैं खुद उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तभी हाफ एजेंट मैन कहता है अगर वो लड़की सेफ है तो उसे मेरे पास लाओ ये लिटिल विच, और ऐसा कहते हो वो हाफ एजेंट मैन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। हालांकि उसका जो बिहेवियर था वो स्ट्रिक्ट दिख रहा था लेकिन इसमें प्यार को फील किया जा सकता था। जिसके बाद लाल बालों वाला ओल्ड मैन कहता है हाँ और वहाँ से निकल जाता है। तभी एक आवाज आती है ब्रदर, और ये किंग मुयर ही होती है। ये सुनकर लाल बालों वाला हाफ एजेंट मैन और एल्डर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी हाफ एजेंट मैन और एल्डर दोनों ही कहते हैं तुम मेरी पीठ के पीछे मेरी बातों को सुन रही हो। तभी वो लड़की कहती है आप मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हैं, और इसके बाद वो लाल बाल वाले ओल्ड मैन की तरफ देखती है। ये सुनकर तो ओल्ड मैन काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो इस लिटिल बिच से बहुत डरता था, इसलिए वो जल्दी से कदम पीछे हटाते हुए कहता है यंग मिस मेरी ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है। तभी हाफ एजेंट मैन कहता है वैसे मुझे बताओ तुम बाहर जाने के बाद कहां गई थी, और इसके बाद ओल्ड मैन को जाने की और ब्रदर के हाथ को पकड़ते हुए वो कहती है मैम ऐसा बहुत आ गया क्या, और स्माइल करता है और अपनी उसकी पावर 2-स्टार डाउडी पर है लेकिन फिर भी वो इतनी बेशर्मी से मिलने की बात कहता है कि अगर मैं उसे ये बताऊंगी तो वो बात सुनकर पैट्रियट उससे खुद ही मिलने आएंगे, हालांकि मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसा कहते हुए किंग मुयर की आंखें काफी सीरियस होती हैं। ये सुनकर हाफ एजेंट मैन कहता है ओह क्या ऐसा है क्या,
वैसे वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है और उस लड़के का नाम क्या है? अनसा के तो हाफिज में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा होता है। तभी लड़का की कहती है उसका नाम यान जियो है और उसने कहा उसके पास आपको बताने के लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। मैंने उससे पूछा कि क्या, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो कहता है वो केवल पेट्रियाट को ही बताएगा। मुझे विश्वास नहीं है उस पे, मुझे लगता है कि वो कोई जासूस है दूसरे क्लेन का। तभी वो कहता है अपने ही दिल में यान जियो जियो यान और दिल में अंदाजा लगाता है। लेकिन इससे पहले वो बोल पाता कि किंग मुझे कंटिन्यू रखते हुए कहती है वैसे उसने मुझे केवल तीन ही वर्ड बताए हैं और कहा ये तीन वर्ड सुनते ही आप दौड़े दौड़े जाएंगे उससे मिलने के लिए। साथ ही वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है और इसका उसे जो यान द्वारा बताए गए तीन वर्ड याद आते हैं। तभी लाल बालों वाला हाफ एजेंट मैन कहता है तीन वर्ड कौन से तीन वर्ड और वो थोड़ा हैरान होता है। तभी किंग मुझे कहती है जुआन टियान किंग जुआन टियान उसने यही तीन वर्ड बताए थे। ये सुनकर तो हाफ एजेंट मैन का दिमाग पागल हो जाता है, बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो किंग मुयर को देख रहा होता है। उसकी जो सांसें और ब्रीथ होती है, हार्ट बीट होती है, अचानक से तेज चलने लगती है और वो तुरंत ही किंग मुयर की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने सही कहा है, क्या यही नाम उसने बताया था, फिर से बताओ। ये सुनकर किंग मुयर अपने भाई की जब शक्ल देखते तो दंग रह जाती है और डरते हुए कहती है किंग जुआन टियान उसने अपने भाई को कभी भी इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। इसलिए वो तुरंत ही कहती है डरते हुए ब्रदर तुम्हें क्या हुआ। ये सुनकर उसका ब्रदर तुरंत ही कहता है वो लड़का अभी कहाँ है। ये सुनकर किंग मुयर तुरंत ही कमजोरी से आंसर देते हुए कहते हैं मैंने किंग जियोंग को से एक होटल में रुकने के लिए कहा है। ये सुनकर वो लड़का तुरंत ही कहते चलो अभी के अभी उसके पास चलो और तुरंत ही आंगन से तुरंत ही बूढ़ा आदमी अंदर आता है जिसके बाद वो कहता है ऑर्डर दो सभी एल्डर्स और कैप्टन को सराया को जाए और घेर ले, किसी को भी वहां घुसने की इजाजत नहीं है और मेरे ऑर्डर का वेट करें। जिसके बाद वो तुरंत ही हाफ एजेंट मैन कहता है हाँ। जिसके बाद वो ब्रदर तुरंत ही कहता है मुयर जल्दी करो ब्रदर को उस पर्सन से मिलने के लिए ले जाओ और वो किंग मुयर के हाथ को पकड़ लेता है और बाहर चला जाता है। ये सुनकर तो मुयर हैरान रह जाती है और कहती ब्रदर वो कौन है, ये तीन वर्ड सुनने के बाद आप वास्तव में उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। इस टाइम पे तो किंग मुयर हैरान थी, उसे भरोसा नहीं था कि ये वास्तव में ऐसा हो सकता है। तभी उसका ब्रदर कहता है मत पूछो जब तुम वहाँ पहुँच जाओगी तो मैं खुद पता चल जाएगा तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है और इस टाइम पे वो काफी सीरियस होता है। साथ ही अपने ब्रदर को इतना सीरियस देकर मुयर कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वो दोनों सराय की तरफ चलने लगते हैं। साथ ही इस टाइम पे कई लोग वहाँ पे पहले से इंतजार कर रहे होते हैं जिनकी पावर कम से कम 4-स्टार डाउडी लेवल तक पहुँच चुकी होती है। साथ ही सराय का जो ओनर था वो स्वाभाविक तौर पर ब्लड डायमंड क्लेन का मेंबर था लेकिन उसकी पोजीशन ऊंची नहीं थी, इसलिए वो इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर और पेट्रियार्ड को व्यक्तिगत तौर पर वहां आते हुए देखकर उसे नहीं पता था कि उसने क्या परेशानी खड़ी कर दी। लेकिन उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया होता और पैर कांप रहे होते हैं। तभी लाल बालों वाला हाफ एजेंट मैन सराया के पास आता है और तुरंत ही कहता है तुम्हारे इस होटल में कितने लोग हैं। जिसमें सराया का ओनर आंसर देता है बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा पेट्रियार्ड, केवल एक लड़का और एक लड़की ही है जो अभी यहाँ रहने के लिए आए हैं और कोई नहीं। ये सुनकर वो लड़का हाफ एजेंट मैन पेट्रियार्ड उसे कहता है ये लो सो ड्रैगन टेल्स और यहाँ से चले जाओ, अभी तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये सुनकर सराया का ओनर तुरंत ही अपने घुटने टेक देता है और उन्हें धन्यवाद कहता है क्योंकि उसे पता था 100 ड्रैगन टेल्स का कीमत 10,000 गोल्ड क्वाइन के बराबर है। यहाँ तक कि उसके सराया की पूरी की कीमत 1,000 सोने के सिक्के थी और इतना पैसा तो वो कमा भी नहीं सकता था जितना उसे वास्तव में इस बार मिल गया था। इसलिए वो तुरंत यहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद लाल बालों वाला हाफ एजेंट मैन सीरियस तरीके से कहता है और एक्साइटेड तरीके से ऑर्डर देता है हर कोई इस जगह को घेर लो, किसी को भी यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं है और ना ही किसी को उस लड़के से मिलने की जरूरत है, कोई भी रूल्स को वॉयलेट करेगा उसे मार दिया जाएगा। जिसके बाद वो मुयर की तरफ देखते हुए कहता है मुयर मुझे उससे मिलने के लिए ले चलो। यहाँ पे किसी को भी कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार उनके पेट्रियार्ड को अचानक क्या हो गया, ये इतना बावला हुआ क्यों फिर रहा है, लेकिन कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता था जान जो प्यारी थी, इसलिए चुपचाप वो जगह को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ किंग मुयर ब्रदर को जो यान के रूम में ले जाती है जहाँ जो यान अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और जियो की तो घबराई हुई होती है क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि बाहर काफी सारे पावरफुल औरे हैं और इतने मजबूत लोगों के औरे के सामने उसने शायद ही अपनी लड़ेना और